जर्मनी से खबर शामिल करते हैं, जहां पर जर्मनी के शहर मोन्स्टा में वाकया कैथलिक गिरजाघरों से ताल्लुक रखने वाले 196 पादरी बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती में मुलव्वस निकले। गैर मुल्की खबर रसादारी के मुताबिक चर्च कमेटी ने 1945 से 2020 तक के वाकयात की तहकीकात के लिए एक यूनिवर्सिटी से राबता किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ मोन्स्टा ने 2.5 साल की तहकीकात के बाद रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 1947 से 2008 तक चर्च की आला शख्सियात जिनसी ज्यादती की शिकायत को दबाती रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि पादरी और दीगर अहदेदारान को कुछ केसेस की मुकम्मल मालूमात थी। ज्यादती और हरासानी में मुलव्वस 196 पादरी 1945 से 2020 तक मोन्स्टा के गिरजाघरों में तैनात थे। तहकीक में साबित हुआ है कि मुलजमान में शामिल 5% ने 10 मरतबा बच्चों के साथ कभी फेल किया। अंदाजा लगाया गया है कि मुतासरा बच्चों की तादाद 610 है, लेकिन असल तादाद इससे 10 गुना ज्यादा हो सकती है। जिन पादरियों पर जिनसे ज्यादती में मुलव्वस होने का शबह था, उनका सिर्फ तबादला किया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। महकिकेन ने बताया कि उन्हें चर्च के दस्तावेजात तक रसाई दी गई थी। शहर के बिशप ने जुमा को इस मामले पर बयान देने का अंदिया दिया है। उन्होंने इब्तदाई बयान में मुतासरा बच्चों से माफी मांगी, लेकिन इस बात का इतराफ किया कि सिर्फ माजरत काफी नहीं।